सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम सबके प्यारे हैशटैग पीटाउन बेबी हिंदी मातृभाषा एमसी स्टैन के बारे में। सो रिसेंटली एमसी स्टैन का एक कॉन्सर्ट हुआ था 31 दिसंबर को, एंड उसी के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी एमसी स्टैन से रिलेटेड और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर पाओ। बात करें एमसी स्टैन की तो भाई एमसी स्टैन से अलग 31 की नाइट को बिग बॉस ने और दो कंटेस्टेंट को और बुलाया गया था, जिसमें एक थे इक्का एंड दूसरे थे सीधे मोल। एंड सच बताऊं तो भाई मेरे को इक्का को तो मैं जानता था लेकिन सीधे मोल को मैं नहीं जानता था बिग बॉस में देखने से पहले। लेकिन अभी हम लोग बात नहीं करेंगे इक्का एंड सीधे मोल की, बात करेंगे हम स्टैन की। भाई स्टैन की जब वैसे बात कर लेते हैं, इक्का एंड सीधे मोत जब गा रहे थे, अगर आप इन दोनों के रिएक्शंस को भी मिला लो तो भी भाई एमसी स्टैन के अकेले बंदे ने जो अपना कॉन्सर्ट किया था उसके जितना रिएक्शन नहीं निकाल पाए। यस, ये चाहे आप एपिसोड में जा करके देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी रिएक्शन वाली, जिसको यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया है। एंड अगर आप लोग कहोगे तो आपको मैं अपने इंस्टाग्राम पर उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके मुझे वहाँ फॉलो कर लें। मैसेज में जरूर बताना क्या मुझे वो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जो यूट्यूब ने ब्लॉक कर दी। एंड बात करते हैं अभी एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट के बारे में। तो भाई उन्होंने स्टार्ट करा अपने सबसे फेमस सॉन्ग तड़ी पार के साथ, एंड भाई जो कि मेरा भी फेवरेट है एंड बहुत सारी ऑडियंस का भी फेवरेट है, जो कि है पहले दिन तुम प्यार दूसरे दिन तुम हेट करते। भाई ये गाना यार इतना पॉपुलर हो चुका है, एंड जब स्टैन आके गाते हैं एंड भाई उस वक्त तो रिएक्शन ही एक ऐसे अलग लेवल का था। इक्का सीधे मोत इन दोनों ने मिला करके इतना रिएक्शन नहीं निकाल पाए जितना हमारे प्यारे हम सबके प्यारे एमसी स्टैन अकेले ने निकाल लिया। तो भाई मैं तो बिग बॉस एमसी स्टैन के लिए ही देख रहा हूँ, आप किसके लिए देख रहे हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी एमसी स्टैन से रिलेटेड और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट कौन है।